हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे कुछ कुछ आयन दिए हुए हैं, NiH2O5NS3+2, NiH2O4NS3+2 एंड NiH2O3NS3+3 2+। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि ये कौन सा सही करता है। इसके इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए एंड बी शो ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए और बी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो बात करें अगर ए की, तो ए कोई आइसोमेरिज्म दिखाता ही नहीं है। ओके, ए कोई आइसोमेरिज्म दिखाता ही नहीं है। ये एक्चुअली ये कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लेकिन अब बात करें बी की, तो बाय बी आइसोमेरिज्म दिखाता है, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, क्योंकि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिस क्या होता है? सिक्स, और ट्रांस ट्रांस मतलब होता है सिस, मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस मतलब होता है ऑपोजिट साइड। ओके, तो अगर यहाँ पे बात करें NS3 सेम साइड में होगा, जैसे अगर मान लो Ni, तो ये NH3 NS3 और यहाँ पे H2O 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 एंड H2O ये 2+। और अगर इसमें ये सिस है, और ट्रांस में अगर ये हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें सिस में, ट्रांस में ये हो जाएगा NH3 NS3 H2O 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 एंड H2O। तो अगर ये सिस ट्रांस दिखाता है तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ए जो है ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी, ए एंड बी शो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ए जब आइसोमेरिज्म शो करता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ऑप्शन सी, बी एंड सी शो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बी तो शो करता है कैसा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल। और अगर बात करें सी की, तो सी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो करता है, ना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो सी भी ज्योमेट्रिकल ही आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको फेक इसको फेकमर आइसोमेरिज्म बोलते हैं, फेकमर आइसोमर्स बोलते हैं। तो इस तरह से बी एंड सी दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।